हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर। तो आज हम 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर सही दिया था। और हमारे चैनल पर आपको डेली के डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की एथिक पैनल यानी कि आचरण समिति का अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया है। तो लोकसभा की एथिक पैनल यानी कि आचरण समिति का जो अध्यक्ष है वो लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया है। और लाल कृष्ण आडवाणी को एथिक पैनल का अध्यक्ष किसने बनाया है, तो इन्हें जो हमारी लोकसभा की सभापति हैं जिनका नाम है सुमित्रा महाजन, उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। अब देखिए यहाँ पर नाम आया है एथिक पैनल का, तो आपको मालूम होना चाहिए ये होता क्या है। एथिक पैनल एक समिति होती है जो कि संसद के जो सदस्य हैं उनका अगर अनैतिक आचरण है तो उससे रिलेटेड जितनी भी शिकायतें होंगी उन सब शिकायतों की जो जाँच है वो एथिक पैनल करती है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये है लाल कृष्ण आडवाणी, ये हमारे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 5 फरवरी 2002 से लेकर 22 मई 2004 तक। और लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री के तौर पर ये 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक काम किए थे। और इन्हें 2015 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी को लोकसभा की एथिक पैनल का सदस्य बनाया गया है। तो लोकसभा के बारे में यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए। लोकसभा में जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो 545 है, और 545 में से जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको लोकसभा के बारे में मालूम ही होनी चाहिए। अगला करंट अफेयर है, भारत में पहली बार स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट को किस संस्थान ने तैयार किया है। तो भारत में पहली बार स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट को परमाणु चिकित्सा और सहयोगी विज्ञान संस्थान या फिर कहें INMAS ने तैयार किया है। और इस किट का जो इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा, तो इस किट का इस्तेमाल जो हमारे घायल जवान होते हैं जो कि परमाणु हमलों में घायल हो जाते हैं उनके इलाज के लिए किया जाएगा। और इस किट के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस किट के अंदर रेडियस के असर को कम करने के लिए रेडियो प्रोटेक्टर और बैंडेज और साथ ही में मेडिसिन भी होंगी। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये लिखा है कि पहली बार भारत ने ऐसा कोई स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार किया है। तो इससे पहले भारत कहाँ से ये किट मंगवाता था, तो इससे पहले भारत रूस और अमेरिका से इस किट को खरीदता था। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें INMAS के बारे में बता देती हूँ। INMAS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म आप देख ही रहे हैं, परमाणु चिकित्सा और सहयोगी विभाग संस्थान। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1961 में हुआ है, और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार सिंह। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में सरकार ने किस प्रकार की दवाइयों पर रोक लगा दी है। तो हाल ही में सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है, और सरकार ने सेरिडोन जैसी दवाइयां और इसी के साथ साथ 327 और दवाइयां हैं जिन पर रोक लगाई है। और इस क्वेश्चन में आपको हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम याद होना चाहिए, उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा या फिर कहें JP नड्डा। तो इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए इस करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के 4 साल पूरे होने पर स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट अभियान की शुरुआत कौन करेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन के 4 साल पूरे हो चुके हैं, और इस 4 साल पूरे होने पर जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट शुरू करेंगे। और देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2014 में। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो ये जो अभियान है वो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर तक के लिए क्यों आयोजित किया जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी उनकी 150वीं जयंती है, इसलिए इसे 2 अक्टूबर तक के लिए आयोजित किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र ने UNIATF पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को देने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने UNIATF पुरस्कार भारत के मनोज झलानी को देने की घोषणा की है। देखिए, ये है मनोज झलानी। मनोज झलानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं और इन्हें ये जो पुरस्कार है वो 27 सितंबर को दिया जाएगा, क्योंकि 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसके दौरान ये जो पुरस्कार हैं ये वितरित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको UNIATF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो UNIATF की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएस के अंदर, और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटरिस, और इसके जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो इतनी बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में याद होनी चाहिए। अगला करंट अफेयर है, नेशनल स्कॉलरशिप से जुड़े किस पहले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो नेशनल स्कॉलरशिप से जुड़े जो पहला ऐप है जिसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप, उसे लॉन्च किया गया है, और इस मोबाइल ऐप को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसे जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने लॉन्च किया है। और देखिए, ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये किस चीज में मदद करेगा ये भी आपको मैं बता देती हूँ। तो ये ऐप जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्राप्त करने में मदद करेगा, और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर पर ही बैठकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। अगला करंट अफेयर है, सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र कहाँ खोला है? तो सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो बेंगलुरु में खोला है। देखिए, इससे पहले जुलाई 2018 में सैमसंग ने नोएडा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लॉन्च की है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बेंगलुरु और सैमसंग के बारे में बता देती हूँ। सैमसंग की जो स्थापना है वो 1938 को हुई थी। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है ली ब्योंग चुल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो साउथ कोरिया में है। और सैमसंग के जो चेयरमैन है उनका नाम है ली कुन ली, और इसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है ली जे योंग। चलिए आप बेंगलुरु के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कि बेंगलुरु है वो कर्नाटका की कैपिटल है। तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है HD कुमार स्वामी, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है वज्जू भाई वाला। और कर्नाटक के अंदर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 28 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 2018 में चांगवन में शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने जूनियर स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2018 में जो चांगवन में शूटिंग विश्व चैंपियनशिप हुआ है उसमें भारत ने 2 जूनियर स्वर्ण पदक जीते हैं, और जिन 2 खिलाड़ियों ने ये स्वर्ण पदक जीते हैं उनके नाम आपको मैं बताती हूँ। जो पहले खिलाड़ी उनका नाम है उदयवीर सिंह, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका नाम है विजय वीर सिद्धू। उदयवीर सिंह ने 587 स्कोर प्राप्त किए हैं, और जो विजय वीर सिद्धू हैं उन्होंने 581 स्कोर प्राप्त किए हैं। और उदयवीर सिंह ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में ये स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, यहाँ पर नाम आया है चांगवन का, तो चांगवन के बारे में बता दूं कि जो चांगवन है वो साउथ कोरिया में है, और साउथ कोरिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये जो आप मार्क्ड एरिया देख रहे हैं ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन, और साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वोन, और साउथ कोरिया के जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ली नेक योन। अगला करंट अफेयर है, सुषमा स्वराज किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई हैं? तो हमारी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस की जो कैपिटल है मॉस्को उसकी 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई है। और सुषमा स्वराज रूस में जो IRIGCTEC की जो 23वीं बैठक हो रही है उसमें भाग लेने के लिए गई हैं। अब इसके बाद देखिए, आपको पता होना चाहिए कि IRIGCTEC क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। इसकी फुल फॉर्म है
इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन ऑन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और देखिए IRIGC टेक की जो लास्ट टाइम बैठक हुई थी वो दिसंबर 2017 में हुई थी दिल्ली में। अब इसके बाद रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए ये जो आपको ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा होगा ये है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और रूस के जो प्रेजेंट में प्रेजिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस के जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। अगला करंट अफेयर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI विभाग को खिड़की मस्जिद के संरक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में कॉपर के सिक्कों का एक संग्रह मिला है। और आपको बताना है कि जो खिड़की मस्जिद है वो कहाँ पर है, तो जो खिड़की मस्जिद है वो नई दिल्ली में है जहाँ पर ASI यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को कॉपर के सिक्के मिले हैं। और यहाँ पर टोटल 254 कॉपर के सिक्के पाए गए हैं। और देखिए इससे पहले भी 2003 में यहाँ पर 63 सिक्के पाए गए थे। अब इसके बाद मैं आपको खिड़की मस्जिद के बारे में बता देती हूँ। ये बात मैंने आपको बता दी कि ये नई दिल्ली में है। ये देखिए ये है खिड़की मस्जिद, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं। और इस खिड़की मस्जिद का जो निर्माण है वो खान ए जहां जुनान शाह ने करवाया था। और जो खान ए जहां जुनान शाह था वो फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। अब ASI के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और या फिर कहें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो 1861 में हुई थी और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और देखिए ये जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है वो संस्कृति मंत्रालय के अंडर काम करता है। और संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है महेश शर्मा। अगला करंट अफेयर है भारत के किस राज्य ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 12 पुरस्कार अपने नाम किए हैं, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने केंद्रीय सरकार की योजनाओं के लिए जो पुरस्कार दिए जा रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार उसमें 12 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। और जो उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह, उन्होंने PM आवास योजना में बहुत ही अच्छा काम किया है इसलिए उन्हें पहला पुरस्कार दिया गया है इसमें। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार हैं वो छत्तीसगढ़ को मिले हैं। छत्तीसगढ़ को टोटल 17 पुरस्कार मिले हैं। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं उनका नाम है राम नेक। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही भारत के सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। अगला करंट अफेयर है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में किस वर्ष में कुपोषण सबसे अधिक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो कुपोषण की संख्या है वो 2017 में है। और 2017 में दुनिया भर में जो कुपोषण की संख्या है वो 821 मिलियन है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि हर 9 लोगों में से 1 लोग के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, इसे कहते हैं कुपोषण। और इस क्वेश्चन में आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए था, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया है। सो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 सितंबर की करंट अफेयर्स। और जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि लास्ट में एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया जाएगा, वो टेस्ट है आपका हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा एक नए वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है और आपको उस वेब पोर्टल का नाम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो वेब पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी आपको बताना है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 16 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।